नमस्कार, मैं हूं समय शुक्ला। एनडीटीवी एमपीसीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रिद्धि डोंगरा, जिनकी अभी फिल्म जवान रिलीज हुई है और इन्होंने अपनी एक्टिंग से, हालांकि एक्टिंग तो इनकी हमेशा दमदार रही है, पर जवान में इन्होंने सबके दिल में एक इम्पोर्टेंट जगह बनाई है। जी हाँ, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। रिद्धि, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैंने सही कहा ना कि जवान में आपने एक तरीके से सबके दिल में एक एक ऐसी जगह बनाई है कि लोग कहने लगे हैं कि शी इज रिद्धि डोंगरा। रिद्धि डोगरा, या आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक इट्स अ बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, इतनी हमारी इतने सालों के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई है और उसका पार्ट होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत 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 मजा आ रहा है, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है जवान को। सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मैं एक हिस्सा हूँ एक ऐसी सेलिब्रेशन का, एक ऐसी फेस्टिवल, एक फिल्म का, जो फिल्म नहीं फेस्टिवल लग रही है। आपकी फिल्म ने 400 करोड़ ऊपर 400 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर लिया है, तो इतनी बड़ी कास्ट के साथ आपने काम किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में, चेंज तो आए होंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अभी इट्स टू सून टू से ऑल दैट, क्योंकि अभी तो फिल्म लगी हुई है और अभी भी लोग देख रहे हैं और कलेक्शंस बढ़ते ही जा रहे हैं। चेंजेस ये आते हैं सुमित कि आप जो मेहनत करते हैं उसका आपको फल मिलता है। आई थिंक तो आई होप कि जो मेहनत की है इतने सालों से वो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं आप जब मैंने जो भी काम किया है वो शायद इस मोमेंट के लिए किया है कि मुझे अगर जवान जैसी इतनी बड़ी फिल्म में कुछ सीन्स मिले परफॉर्म करने के लिए और वो भी बहुत ट्रिकी सीन्स थे। तो वो मेहनत, आई होप कि इंडस्ट्री उस मेहनत को देखे और ये कहे कि मैंने इस साल इतना सारा अलग 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 टाइप का काम किया है। तो आई होप कि वो दिखे और वो याद रखें कि एक्टर अपने आप को चैलेंज कर रहा है, चलो हम भी चैलेंज करते हैं उसको कास्ट करके और उसको कुछ और रोल में डालते हैं। फिल्म एक्चुअली करप्शन और सिस्टम को सुधारने के लिए है, तो रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी सिस्टम या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई हो? जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं करप्शन की तरफ जाती ही नहीं हूँ। ब्राइबरी, करप्शन मतलब ब्राइबरी हमारे लिए तो ब्राइबरी हो गया ना, और करप्शन सामने तो कोई करता नहीं है। इतने पीपल आर वेरी वेरी डिस्क्रीट अबाउट दीज थिंग्स। बट आई थिंक हमारी गवर्नमेंट ही बहुत अच्छा काम कर रही है करप्शन को लेके। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन जब से किया है तब से बहुत चीजें बदल गई हैं। सो बट एज अ सिटीजन मैं रूल्स को फॉलो करने में बिलीव करती हूँ और आई एम अ प्राउड इंडियन और आई डू स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट। हमेशा से ही मैं वैसी रही हूँ, चाहे छोटे स्तर पे या जो भी मुझे मिले, मैं गलत सही और जो चीजें हमारे देश के लिए अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं तो आई डू स्पीक अप, बट आई डू इट इन अ वे जो सिविलाइज तरीके से हो और जस्टिस को हमारी देश की जुडिशरी और उसको मद्देनजर रखते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है, ना मैंने कभी किसी को ब्राइब किया है, ना जरूरत पड़ी है अभी तक, ना किसी ने मुझे ब्राइब किया। मुझे क्यों ब्राइब करेगा कोई? शाहरुख खान ने प्री रिलीज के टाइम कहा था कि वो रिद्धि के साथ दोबारा काम करना चाहते हैं, इफ आई एम राइट। तो यस यू आर किंग राइट, खान, इट्स ऑन वीडियो। या सो किंग खान का इतना कहना, मतलब अब रिद्धि रिद्धि नहीं रही, सुपरस्टार बन चुकी है रिद्धि अब। मेरी बात से कितना सहमत है आप? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप बहुत स्वीट, इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, बट मैं थोड़ी रियलिस्टिक टाइप की इंसान हूँ। बट इट्स वेरी वेरी काइंड एंड जेनरस ऑफ हिम टू से व्हाट ही सेड। मतलब मेरा नाम लिया उन्होंने और इतने बड़े स्टेज पे उन्होंने कहा जो कहा, वो ही बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। और एक्चुअली मुझे वो मोटिवेट करती है, कि इनकरेज करती है कि मैं अपना काम करती रहूं और होपफुली मैं आगे जाके वो काम कर सकूं, अपने आप को उस काबिल बना सकूं कि मैं शाहरुख खान के साथ
कुछ ऐसा काम कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ, या जो मेरा ड्रीम, एक ड्रीम था उनके साथ काम करने का, अब ड्रीम है कि किस तरीके का काम करना है. बोलते हैं कि व्हेन यू आस्क समथिंग बी वेरी स्पेसिफिक, तो नाउ आई एम वेरी स्पेसिफिक. एंड सो या मुझे मुझे अपनी मेहनत ही करनी है कि मैं उन्होंने जो कहा मैं उसके लायक कंप्लीटली बन सकूं. सो या आई कीप वर्किंग हार्ड, दैट्स ऑल आई विल से. उन्होंने ये बोला वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेटिंग बात है टू कीप वर्किंग हार्ड. कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि टाइगर थ्री में आप नजर आने वाली हैं, और टाइगर थ्री में आप भी हैं, और शाहरुख खान एक अहम कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। तो कहीं ना कहीं बात तो सत्य होने वाली है उनकी कि दोबारा रिद्धि एंड एस आर के इज टुगेदर। मैं उस फिल्म के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, वो टीम जब बात करेगी तभी बात कर सकती हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ. मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको चूज करने का एक मौका मिले कि आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहती हो इन फ्यूचर, तो वो लकी एक्टर है कौन? शाहरुख खान. देखो मैं अगेन कह रही शाहरुख हूँ, खान। मेरी 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 ऑफ कोर्स मेरी मेरी वांट और जो डिजायर है, लाइक आई सेड ना, प्रोस्थेटिक्स के बिना काम करना है मुझे उनके साथ. तो ऐसे मेरे माय फेवरेट एक्टर इफ यू से एज अ फैन तो शाहरुख खान ही है. मतलब वो तो तब से हैं जब से उन्होंने डर की है. तो वो मैं और मैं बहुत लॉयल फैन हूँ, तो मैं वो मेरे लिए बदले नहीं है कभी भी मेरे फेवरेट एक्टर. बाकी ऑफ कोर्स देर आर बहुत 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 अमेजिंग राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, बहुत सारा अच्छा अच्छा काम हो रहा है और मैं ग्रीडी हूँ, मुझे अच्छा काम करना है. तो मैं उन सबके साथ काम करना चाहती हूँ, ओटीटी पे, चाहे फिल्म्स हो, फिल्म ऑन ओटीटी हो, कुछ भी हो, वेब सीरीज हो. आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ गुड वर्क एंड आई वॉन्ट टू, मतलब मैं चाहती हूँ कि आई एड वैल्यू टू द वर्क दैट कम्स माई वे. तो मेरा वही मेरा मोटिव वही रहता है, जो हमेशा वही रहा है और आगे भी वही रहेगा. मैं अपने आप को बॉक्स में नहीं डाल सकती कि मैं इस एक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ, या देर इज ओनली वन पर्सन फॉर मी, दैट्स शाहरुख खान. बट बिसाइड्स हिम देर आर मेनी 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 पीपल इन द इंडस्ट्री दैट आई वुड लाइक टू वर्क विद. रिद्धि, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित. थैंक यू। ये थी हमारे साथ रिद्धि डोंगरा, जिन्होंने जवान को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।